तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए दोस्तों आपको ना एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आप जितनी सारी वीडियोस देखते हो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रील्स में, वह सिर्फ और सिर्फ ऐप के मदद से ही उतनी खतरनाक वीडियो बनाती है हिलने वाला। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और प्ले स्टोर और वीडियो का लास्ट में नाम भी बता दूँगा, आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सिंपल से उस दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और दोस्तों आप जो यहाँ पर देख रहे हो किस तरह यहाँ पर देख रहे हो प्लस का आइकन, नीचे में प्लस का आइकन लिखा है, सिंपल से प्लस के आइकन पर क्लिक करनी है। और दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है, और जैसे न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है तो दोस्तों एग्जांपल के लिए आपको ना 20 फोटो अच्छे अच्छे सेलेक्ट कर लेनी है जो आप पहले से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रखे हुए हैं। तो जैसे मैंने फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं 20 फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या किया कि 20 फोटो को सेलेक्ट कर लिए हैं और 20 फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर बुल्लू तीर का निशान, सिंपल से इस तीर के निशान वाला ऑप्शन पे क्लिक करनी है। और जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आप सिलेक्ट चले जाएंगे एक्सपो यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शन में। तो दोस्तों एडिटिंग के ऑप्शन में आपको यहाँ पर इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप जिस फोटो को सेलेक्ट किए हैं सबसे पहले उस फोटो को आपको छोटी ड्यूरेशन कर देनी है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि यह फोटो है इतना बड़ा, तो सिंपल से इस पर इस फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों इसको छोटा छोटा कर देनी है, इतनी सारी फोटो सबको छोटा छोटा कर देनी है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं 2-4 फोटो को यहाँ पर छोटा छोटा कर देता हूँ, आप देख लीजिए कि मैं किस प्रकार छोटा कर रहा हूँ। तो इस पर जैसे आप अच्छी तरह से क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आप अपने हिसाब से एकदम छोटा कर देनी है इसको, यानी कि कम ड्यूरेशन कर देनी है ताकि यह लगातार फोटो मतलब हमेशा आती रहे। इस तरह के फोटो बनाते रहेंगे तो आपको पीछे आगे तरफ बैक करनी है। और दोस्तों एग्जांपल के लिए फोटो इस फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख रहे हो ट्रिम वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 सेकेंड के रेफरेंस से चल रहा है तो इसको क्या करना है कि हमको पॉइंट कम कर देनी, यानी कि 0.5 पे कर देनी। तो दोस्तों यह फास्ट में आप फोटो देखिए तो ये दोस्तों फास्ट फोटो भागेगा, देखो दोस्तों यह फास्ट फोटो भाग रहा है। तो इस प्रकार आपको ट्रिम करके और इसको 3 पॉइंट होगा उसको आपको एक कर देनी है। दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पर सब फोटो को छोटा कर चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इस तरह के फोटो चल रही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सर आप दोस्तों आपको हिलने वाला लगाना है, इसके लिए आपको अफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अफेक्ट लगाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि यह दो फोटो मेरा चल रहा है और तीसरा फोटो पर इस पर अफेक्ट लगाना है। तो इसको क्या करना है कि फोटो वाला उस पर क्लिक करेंगे और इस ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। और बढ़ा देने के बाद क्या करना है कि उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में देख रहे हो अफेक्ट लिखा है, इस अफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको पकड़ लेनी है और यहाँ से आपको अफेक्ट चालू करनी है, तो यहाँ से आपको पकड़ लेनी है और यहाँ से पकड़ना अफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर इतनी सारी फीचर्स मिल जाता है जो हिलने वाला, जब दोस्तों मैंने दोस्तों इसको लगाते हैं तो दोस्तों के यहाँ पर हिलने वाला आ गया, ये भी लगाते हैं तो दोस्तों हिलने वाला आपको आ जाएगा। फिर एग्जांपल के आगे बढ़ा के इस वाला लगाते हैं तो दोस्तों हिलने वाला आपको आ जाता है। तो इस प्रकार आपको लगा देनी है और यह अफेक्ट इतना ही बड़ा है तो इसको आपको क्या करना है अफेक्ट को बढ़ा देनी है। और बढ़ जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर देखा लिखा हुआ सही किचिन, इस सही किचिन वाला पर क्लिक करना है और दोस्तों जितना आपका अफेक्ट है उसने ही सेलेक्ट करना है, उसका जो फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देना है। जैसे इतना ही सारे अफेक्ट है इसको यहाँ पर फोटो में अफेक्ट नहीं है, इस पर क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर देख रहे हो कैची कैच वाला उस पर क्लिक कर देना है और उसको फिर इस पर अफेक्ट लगाना है। कट गया इतना आपका ये अफेक्ट हो गया और उसके बाद क्या है कि इतना अफेक्ट आपको फोटो डुलेगा और इसके वाला जो फोटो है ये नहीं डुलेगा। तो फिर इसमें हम अफेक्ट वाला इस पर अफेक्ट लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इस प्रकार आप फोटो को फिर नेक्स्ट वाला फोटो चूज करेंगे, जैसे कि यह फोटो है फिर इस पर क्लिक करेंगे और इस फोटो को ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे थोड़ा, और बढ़ा देने के बाद क्या करेंगे कि फिर इस पर भी अफेक्ट लगाएंगे, अफेक्ट लगाने के इफेक्ट वाला उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी अफेक्ट को चुन लेंगे। एग्जाम्पल के मैंने माना कि इस अफेक्ट को मैं चुन रहा हूँ, ये भी चुन सकते हैं और ये भी चुन सकते हैं और ये भी चुन सकते हो, और हाँ एग्जाम्पल ये मैंने चूज कर लिया और इसको क्या करेंगे कि बढ़ा देंगे। दोस्तों यह मैंने बढ़ गया और जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है मैं फिर उसको कट कर दूंगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि इतना ही मेरा अफेक्ट चल रहा है तो फिर इसको मैं एक्स्ट्रा क्या करेंगे ट्रिम वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कैजुअल ऑप्शन क्लिक करके काट देंगे और फिर इस पर अफेक्ट लगा देंगे। तो दोस्तों जब आपको यहाँ पर अच्छी तरह से वीडियो यहाँ पर तैयार हो जाएगा, यानी कि सब फोटो में आपका हिलने लगेगा, इस अफेक्ट चले लगेगा, आप अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह से अफेक्ट लगा लेंगे, तो इसके बाद क्या करेंगे कि म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर म्यूजिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर जो गाना को डाउनलोड करके रखें रिंगटोन को उसको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि इस गाना को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस गाना को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इस सही वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर यह गाना चलने लगेगा।
एक्सपोर्ट, सिंपल से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है। यहाँ पर दोस्तों हाई सेलेक्ट करने वाला सही वाला ऑप्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपको क्या करना है कि सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ पर सेविंग होने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।